दोस्तों स्वागत है आपका हमारी इस नई वीडियो में। तो आज हम पहुंचे हैं जी गायत्री चेतना केंद्र हमीरपुर, जो कि जाऊ में पड़ता है। ये जाऊ में पड़ता है ये मंदिर गायत्री माता का, और जो कि गायत्री ट्रस्ट भोरन जो है उसके द्वारा इसका रन जो है वो किया जाता है। ये जो अपना जाऊ के लिए रोड, ये जाऊ से जाऊ के लिए जो रोड जा रहा है बाणमी से, बाया बाणमी होके जो रोड जाऊ की तरफ जा रहा है उसके बिल्कुल किनारे पे सुलगान से बिल्कुल पास में ही ये मंदिर बना हुआ है जी। बहुत ही खूबसूरत सा मंदिर है, तो चलते हैं मंदिर में और दर्शन करते हैं मंदिर के। बाकी मंदिर के बारे में भी थोड़ी सी जानकारी लेते हैं कि कब इस मंदिर का जो ये बना था, कैसे बना था। तो काफ़ी अच्छा मंदिर ये बना हुआ है, आप देख सकते हैं काफ़ी साफ़ सुथरा ये मंदिर है दोस्तों, बहुत ही खूबसूरत मंदिर बना हुआ है ये। हमारे पुजारी जी भी हैं यहाँ पे, उनसे भी हम बात करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि कितना खूबसूरत मंदिर, बिल्कुल ये सड़क किनारे जो कि बाया बाणमी होके जाऊ के लिए जो रोड जाता है सुलगाड़ में जाके मिलता है, तो ये उसी के बिल्कुल किनारे पे ये मंदिर जो है वो बना हुआ है दोस्तों। छत की बात करें तो छत शेड की डली हुई है, बिल्कुल अच्छा ये एरिया है। ये जो मंदिर है गायत्री मंत्र, ये हरिद्वार से रजिस्टर्ड है, शांति कुंज हरिद्वार में इनका मेन ऑफिस है। बहुत ही अच्छा और भव्य मंदिर है उधर भी इनका हरिद्वार में, गायत्री परिवार वालों का। गायत्री परिवार ट्रस्ट इसको रन करता है, तो बहुत ही खूबसूरत ये मंदिर है दोस्तों। ये बिल्कुल किनारे पे ये मंदिर है, आप देख सकते हैं बहुत अच्छा ये मंदिर बना हुआ है और साफ़ सुथरा मंदिर है। बात करें हम इसके एरिया में तो इसके साथ में ही ये रास्ता इससे नीचे उतर रहा है, ये देखिए इसके साथ ही एक पुराना कुआं जो है वो बना हुआ है, जिसको छत डाली गई है टीन की, शेड यहाँ पे डला हुआ है दोस्तों। बहुत ही शांत माहौल ये इस मंदिर में है, हवन कुंड भी यहाँ पे रखा हुआ है, तो बहुत ही सुंदर ये मंदिर है। तो मंदिर के दर्शन कराते हैं दोस्तों आपको कि गायत्री माता का मंदिर है, बहुत ही खूबसूरत और आकर्षक मूर्ति है यहाँ पे मंदिर में रखी हुई है गायत्री परिवार वालों की तरफ से। बहुत ही सुंदर मंदिर है दोस्तों, माँ के भव्य दर्शन, गायत्री माता के भव्य दर्शन जो है वो आप कीजिए। बहुत ही खूबसूरत सा ये मंदिर बना हुआ है, आप देख सकते हैं दोस्तों बहुत ही आकर्षक सुंदर मंदिर है ये हमारे सुलगान में। माता की मूर्ति और लाइटनिंग इतनी खूबसूरत है, बहुत ही भव्य तरीके से माता की जो सजावट है वो की गई है, बहुत ही सुंदर। ये देखिए दोस्तों मूर्ति है माता की, अलौकिक दर्शन गायत्री माता के। दोस्तों एक हमने पहले भी एक गायत्री माता का मंदिर था अपने टौणी देवी में, उसके भी आपको दर्शन करवाए थे। तो ये दूसरा हमें गायत्री माता का मंदिर मिला सुलगान में, बहुत ही सुंदर ये मंदिर है दोस्तों। इसको एक ट्रस्ट चलाता है गायत्री परिवार के नाम से, इनका हेड ऑफिस जो है वो अपने शांति कुंज हरिद्वार में है। बहुत ही सुंदर ये मंदिर है, तो बाकी हम इसके बारे में थोड़ी जानकारी भी लेंगे यहाँ से, पुजारी जी से पूछेंगे हम उनसे कुछ, पर पहले आप मंदिर के दर्शन कीजिए दोस्तों। बहुत ही सुंदर आकर्षक मंदिर है, तो दोस्तों जैसे हमें पता चला कि ये मंदिर जो है पुजारी जी से कि काफ़ी पुराना है ये, पर हाल ही के वर्षों में इसका जो रेनोवेट का कार्य है वो किया गया है, तो काफ़ी आकर्षक इसकी जो कमेटी है गायत्री परिवार ट्रस्ट भोरंज, उनके द्वारा जो है वो
इस मंदिर को जो वो रन किया जा रहा है, तो बहुत ही आकर्षक उन्होंने मंदिर जो है वो अब बनाया है इस एरिया में, ये गायत्री ट्रस्ट परिवार वालों की तरफ से। तो हाल ही के कुछ वर्षों में ही इस मंदिर का निर्माण हुआ है। वैसे मंदिर काफ़ी पुराना था, यहाँ पे ये मंदिर जो होता था वो एक छोटा सा मंदिर होता था इसके नीचे, पर बाद में अब देखिए लेंटर डाल के इस मंदिर को ऊपर की तरफ ले आए हैं, दूसरी मंजिल पे इस मंदिर को ले आए हैं। तो काफ़ी आकर्षक ये जगह है दोस्तों, काफ़ी सुंदर ये यहाँ पे काम किया गया है। तो मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में बता दूं कि जो भी गायत्री ट्रस्ट परिवार ये कार्य करता है, तो बहुत ही अपने जीवन के लिए, हिंदू धर्म के लिए ये काफ़ी काम जो है वो निशुल्क करते हैं। जैसे कि मैं इनके बारे में बताऊं कि कुछ जो निशुल्क व्यवस्थाएं हैं इनके द्वारा वो की जाती हैं, जैसे पुष्पन संस्कार है, नामकरण संस्कार है, जन्म दिवस संस्कार है, मुंडन संस्कार है, आगे है जी विधर्म संस्कार है, यज्ञोपवीत, दीक्षा संस्कार, विवाह दिवस संस्कार, वानप्रस्थ संस्कार, अंत्येष्टि अस्थि विसर्जन संस्कार, मरणोपरांत संस्कार, श्राद्ध तर्पण श्राद्ध, अन्य सभी व्रत एवं अनुष्ठान जो है वो गायत्री परिवार जो है वो निःशुल्क करती है जी। मैं इनके बारे में थोड़ा पहले भी जानता था कि गायत्री परिवार जो है वो जब किसी की मृत्यु हो जाती है, तो जैसे हमारे हिंदू धर्म में जो पुजारी होते हैं, तो जैसे हिंदू धर्म में जब भी किसी की मौत होती है तो उसका जो संस्कार वगैरह करवाने के लिए और धर्म शांति के लिए जब बाद में तेरहवीं होती है तो चार जाते हैं, तो वैसे ही गायत्री परिवार की तरफ से भी अगर जिसने इस धर्म में दीक्षा ली हो, जो इस धर्म को मानता हो गायत्री परिवार वालों को, वो गायत्री परिवार को बुलाते हैं और निःशुल्क ये कार्य जो है वो किया जाता है उनके द्वारा। बाकी जब भी हरिद्वार में जाते हैं तो इनके खुद वहाँ पर इनका एक बहुत बड़ा ट्रस्ट ये चलता है, शांति कुंज हरिद्वार में इनका बहुत बड़ा यहाँ पे ट्रस्ट है इनका, वहाँ पे भी निःशुल्क इस तरह की व्यवस्थाएं जो वो करते हैं। तो बहुत बड़ा परिवार है और बहुत अच्छे अच्छे अपने हिंदू धर्म में इन ये जो हैं वो अपने आगे प्रचार प्रसार कर रहे हैं गायत्री ट्रस्ट परिवार जो है। तो बहुत अच्छे लग रहा है कि इन्होंने बहुत अच्छे से ये मंदिर जो हैं वो उनको बनाए हैं गायत्री परिवार ट्रस्ट वालों ने, गायत्री माता के। तो ज़रूर आप हमें इस वीडियो में बताइए कि आपको ये गायत्री ट्रस्ट पर वालों की तरफ से जो मंदिर है वो कैसा लगा दोस्तों। तो ज़रूर हमें इस वीडियो में कमेंट करके बताइएगा, और भी बाकी अच्छी अच्छी वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पेज के चैनल को आप फॉलो कीजिए, नोटिफिकेशन के बटन को ऑन कीजिए ताकि जो भी हमारी नई वीडियो होगी वो आपके पास तुरंत उसकी नोटिफिकेशन आपके पास मिल जाए। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ जी, तो मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए जी जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी जी।